शफात के कॉन्सेप्ट के बारे में, इंटरसेशन के बारे में पूछते हैं कि ये कुरान की रूह है, इसकी क्या हैसियत है। कुरान मजीद ने सूरह तौबा में इस मसले को बिल्कुल वाज़े कर दिया, और वो ये है कि जब बंदा अपने परवरदिगार से मगफरत चाहता है, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम सब कमज़ोर हैं, बहुत से गुनाह हो जाते हैं, बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, तो एक मुसलमान, एक बंदा मोमिन, खुदा को मानने वाला जब अपनी गलतियों कोताहियों की माफ़ी मांगता है, तो अल्लाह ताला अगर ये फ़ैसला कर लेते हैं कि इसकी माफ़ी कबूल करनी है, तो बाज़ औक़ात अपने पैगंबरों से भी पूछते हैं कि आप क्या कहते हैं। जैसे रसूलुल्लाह सल्लम के ज़माने में अल्लाह ताला ने जिन लोगों ने बड़े जरायम किए थे उनको ये हिदायत की कि आप ख़ुद भी माफ़ी मांगिए और रसूलुल्लाह से भी कहिए कि वो आपके लिए माफ़ी मांगे। यही शफात है, ये दुनिया में भी होगी और क़यामत में भी होगी, लेकिन पहले आपको माफ़ी मांगनी है, इसके बगैर नहीं हो सकती।